आप देखो बुआ क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ आप यहाँ देखें हार्ट फॉल क्या है, रूट का है, रूट में जो है उसी को सपोज करते हैं थ्री प्लस टू थ्री लेफ्ट, ध्यान देंगे डिफरेंट सेट एल बोथ साइड और मल्टीप्लाई कर दें सिक्स एक्स थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स कॉन्स्टेंट जीरो सेवन का डिफरेंशिएशन जीरो टी का डी टी टू आपको कॉमन ले लेते हैं टू इंटू डी एक्स तो बच गया थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी टी देन थ्री एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू फॉर्म चेंज करें थ्री एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई टू हाफ इंटीग्रल साइन के बाहर कर दिए डी टी और इसका वैल्यू टी रूट टी रख दिए इसके जगह पर टी पुट कर दिए अब आपको हाफ इसको पावर में चेंज करेंगे टी टू द पावर हाफ ऊपर ले जाएंगे टी टू द पावर माइनस हाफ इंटू टी टी वन का एडिंग करें एडिशन क्या हो जाएगा वन बाई टू से डिवाइड प्लस कैंसिल कीजिए टी टू द पावर हाफ प्लस सी का इंटीग्रल कॉन्स्टेंट टी का वैल्यू पुट कर दीजिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन प्लस सी फेस सी का इंटीग्रल कॉन्स्टेंट क्वेश्चन गलत है यहाँ क्वेश्चन में आपको टू एक्स लिखा हुआ था एक्स यहाँ नहीं होगा क्वेश्चन एरर था हम इसको शुद्ध करके लिखे हैं समझे ना इसको शुद्ध कर दिए हैं फिर बनाइए आपका टी इक्वल टू डिनोमिनेटर में जो हाफ फॉर्म है डिनोमिनेटर जो है उसको सपोज कीजिए और में क्या है टू प्लस थ्री एक्स टू द होल पावर थ्री तो आपका पावर थ्री इस पर है उसको सपोज किए मैं इक्वल टू टी माने लेट डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स टी का डिफरेंशिएशन डी टी कॉन्स्टेंट का जीरो आप पावर मल्टीप्लाई कर दें पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइन पावर में वन का सब्ट्रैक्शन पावर टू होगी फिर एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स देन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में डी टी बाई नाइन अब क्वेश्चन लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर टू द होल पावर थ्री थ्री एक्स की ठीक है अब आपका और चेंज करें एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई नाइन वन बाई नाइन इंटू डी टी टू प्लस थ्री एक्स क्यू टू प्लस थ्री एक्स क्यू का वैल्यू क्या सपोज किया है टी पावर क्या है और पावर थ्री है थ्री दीजिए सेट हो गया पावर टर्म आपको टी टू द पावर थ्री को ऊपर पर लिख करेंगे तो क्या लिखेंगे टी टू द पावर माइनस थ्री इंटू आपका डी टी लिख दिए पावर में वन का एडिंग कीजिए माइनस वन माइनस एडिंग क्या होगा माइनस टू से डिवाइड कीजिए माइनस वन बाई एटीन और टी टू द पावर माइनस टू है नीचे करेंगे पॉजिटिव पावर हो जाएगा प्लस सी जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज कीजिए टी का वैल्यू पुट करें टू प्लस थ्री एक्स क्यू टू प्लस थ्री एक्स क्यू टू द होल पावर टू प्लस सी फिर सी द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट ये इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स इंटू लॉग एक्स टू द होल पावर एम इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट फिर एक्स इज ग्रेटर दैन यहाँ आपका एक्स का वैल्यू क्या होगा आपको जीरो से ग्रेटर
अब यहाँ हुआ एक्स है इंटू लॉग टू द पावर एम, हर दोनों फैक्टर जो है डिनोमिनेटर में है, इसलिए डिनोमिनेटर का जो हार्ड फैक्टर है उसको सपोज करेंगे। बार बार मतलब देख रहे होंगे कि आपको पावर सहित नहीं सपोज करते हैं, जिस पर पावर है उसको सपोज करते हैं। यहाँ देखिए बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लॉग एक्स एक्स है, बेस में नहीं लिखा हुआ है कुछ, तो आपको समझना है बेस में ई छिपा हुआ है, बेस में ई छिपा हुआ है। जब बेस में ई रहेगा तभी उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगा, समझे ना। तब यहाँ नहीं दिया हुआ है, आपको बेस में नहीं दिया हुआ है, तब आपको समझना है कि ई लिखा हुआ है, ई छिपा हुआ है, ई आपको हाइड है, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी, लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई लॉग के इनसाइड क्या एक्स है तो वन बाई एक्स, y रहता तो 1 बाई वाई लिखते, t रहता तो 1 बाई टी, किसका किए log का किए, डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है हुआ log का किए, 1 बाई log के इनसाइड जो है उसको लिखे x है x लिखे, फिर x का डिफरेंशिएशन dx, यही आपका dx बाई x इक्वल टू dt। अब आपको 1 बाई क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 बाई log x टू द होल पावर एम इंटू डी एक्स बाई एक्स, हम चेंज करें वन बाय लॉग एक्स का वैल्यू टी टी टू द पावर एम, डी एक्स बाई एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में डी टी, इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर एम को ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव पावर हो जाएगा टी टू द पावर माइनस एम इंटू डी टी। अब आपका पावर जितना है उसमें वन का एडिंग करें, एडिशन क्या आ गया वन माइनस एम से डिवाइड कीजिए प्लस सी, फिर सी इज द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज करें, टी का वैल्यू पुट कीजिए लॉग एक्स टू द होल पावर वन माइनस एम बाई वन माइनस एम प्लस सी, फिर सी द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। लास्ट देखिए इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई सॉरी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के पहले थोड़ा डोकरेट करते हैं, डी एक्स एक्स है तो एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स टू द होल पावर टू, एक्स को क्या लिखे अंडर रूट एक्स टू द होल पावर टू, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा अंडर रूट एक्स प्लस वन, अब दोनों में हार्ड फैक्टर दोनों तो रूट का है, लेकिन इस आपका फर्स्ट फैक्टर में एक टर्म है, सेकंड फैक्टर में दो टर्म है, कंपेयरिंग करेंगे हार्ड फैक्टर क्या है, आपको अंडर रूट एक्स प्लस वन इतना इक्वल टू टी सपोज कीजिए, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, अब डिफरेंशिएशन कीजिए पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन बाय टू अंडर रूट एक्स, जैसे रूट एक्स को चेंज कर दीजिए एक्स टू पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन आपका पावर मल्टी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर में वन का सब्ट्रैक्शन वन बाई टू, एक्स टू द पावर क्या होगा माइनस हाफ, नीचे करेंगे तो एक्स टू द पावर हाफ, इसी को हम डायरेक्ट लिख दिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, टी का डिफरेंशिएशन डी टी, देन डी एक्स बाई रूट एक्स dx by root x का वैल्यू t के फॉर्म में d
डी एक्स बाई रूट एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में निकला आपको 2 dt। देखिए रूट एक्स का किए 1/2 रूट है, रूट का 1/2 रूट का इन साइड क्या है एक्स है, एक्स लिखे फिर एक्स का डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0। तो डी एक्स बाय रूट एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में क्या निकला 2 मल्टीप्लाई कर दिए 2 dt। फॉर्म आपको जो क्वेश्चन था क्वेश्चन लिखिए 1/2 थोड़ा डुप्लीट कर देते हैं 1/√ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स 1/√ एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या सपोज किया है टी और डी एक्स बाय रूट एक्स का वैल्यू 2 dt। 2 इंटीग्रल साइन के बाहर कर देते हैं 1/t इंटू डी टी 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी लॉग टी का इंटीग्रेशन 1/log t का डिफरेंशिएशन अवकलन लॉग टी का डिफरेंशिएशन आपका अवकलन 1/t इसलिए 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी या लिखे लॉग मॉड टी प्लस सी फिर सी द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट टी का वैल्यू पुट कर दीजिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी फिर सी द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। आज का इतना ही हुआ, आप लोगों को आज एक्सरसाइज बतलाए 19.8 बतलाए हैं, इसका आपको 50 तक टच किए हैं 50 तक, आप लोग बनाइएगा 1 से लेकर 50 तक 50 तक। जो प्रॉब्लम आपको जो नहीं बनेगा वह क्वेश्चन आप लोग मैसेज कर देंगे, 50 तक में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वह क्वेश्चन आप मैसेज व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर दें, क्वेश्चन वह बतला दिया जाएगा, समझे ना, क्लासरूम में बतला देंगे या बनाकर मैसेज आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, समझे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा 1 से 50 तक देख लेंगे, 2-4 क्वेश्चन रहेगा तो आपको वाथी पर व्हाट्सएप पर ही बनाकर भेज देंगे, आज यदि बहुत सा क्वेश्चन रहेगा तो फिर क्लास में बतला देंगे टोटल, बात समझे ना। इस तरीका से आज का इतना ही है हुआ, आप लोग सोशल डिस्टेंस बना कर रहे हैं, ऐसा बीमारी ही है कि इसमें हुआ आपको सोशल डिस्टेंस कहीं भी किसी के कहने पर किया अपना बचाव खुद कीजिए, सोशल डिस्टेंस बना कर रहे हैं और खूब पढ़िए। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपको उसमें भी 50 क्वेश्चन में भी आपको 1-2 होगा कुछ में नंबरिंग में, समझे ना, बनाइए पूरा आपको घर पर आपको सेल्फ स्टडी कीजिए, बनाइए जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम भेजिएगा व्हाट्सएप पर, हम देख लेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा क्लास में बतला देंगे, 2-4 वो रहेगा तो व्हाट्सएप पर बताकर भेज देंगे, समझे ना। आप लोग हुआ सब्सक्राइब तथा आप लोग सब्सक्राइब तथा आपको शेयर करते जाएं, फर्स्ट ईयर का बैच आपका स्टार्ट करेंगे आज 1 जून न हुआ हुआ 1 जून आज नहीं तो कल से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, समझे ना। 1 जून हम बोले थे तो 1 जून बोले थे तो आज 1 जून है, आज नहीं तो कल से हम आपको एक आपका फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट कर देंगे। आप लोग जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे संपर्क में आपके अगल बगल में उसको लिंक दे दीजिएगा, देखेगा। बस आज का इतना ही, थैंक्स, खूब पढ़िए आप लोग।